और अपने उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं जिस क्रम को हमने शुरू किया था। 3 दिन हम उस पर बोल चुके हैं, आज चौथे दिन हम बोलने वाले हैं, यानी चौथा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 4, इसे हम कह सकते हैं। और पाचन तंत्र में हमने पिछले क्रमों में जो चर्चाएं की थी आपसे, वो चर्चाएं मुख्य रूप से थी कि हम भोजन को मुंह में लेते हैं, चबाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है, निगलते हैं, एक ढक्कन होती है उसके माध्यम से फूड पाइप में आता है, फूड पाइप से स्टमक में जाता है, स्टमक में जूसे छोड़े जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन, पेप्सिन, उससे संबंधित हमने आपसे बताया था कि पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, इससे हमारा डाइल्यूट हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए पानी नहीं पीते। ये चर्चाएं चल रही थी, इसी क्रम में हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा हम घूम कर आए थे कि एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच एक गैप होनी चाहिए। इसको एक बात हमने आपसे बताने का प्रयास किया था कि गैस के पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है हमारे भीतर, और वो कारण यह है कि हम कभी भी एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच ज्यादा गैप नहीं देते, इससे वो चीजें अन्न के जो खाते हैं उसका वो प्रोसेस हमारी रुक जाती है, जिसके कारण हमारे अंदर से फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन होने के कारण हमारे भीतर गैस बनता है, जिसका एक बड़ा कारण, इसलिए मैंने कहा था कि गैप बनाइए। एक दो बातें इसमें और भी समझने की, एक प्रश्न भी आया है हमारे सामने, वो प्रश्न उन्होंने व्हाट्सएप पर पूछा था, लेकिन मैंने उसका जवाब वहां इसलिए नहीं दिया कि जवाब मैं चाहता हूँ कि कॉमन मिले और हर लोगों को पता हो। उनका प्रश्न था कि भोजन के साथ फल खाना, भोजन के साथ सलाद खाना, या खाने के बीच क्या गैप रखना, ये प्रश्न था उनका, जो हम अभी चर्चा करने भी वाले हैं। खास तौर पे हमें ये समझना है, सबसे पहले समय की बात को थोड़ा सा हम इसको और आइडेंटिफाई करना, इसको और क्लियर करना चाहते हैं कि एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच एक गैप होनी आवश्यक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू। जिनके जीवन में कोई रेगुलरिटी नहीं है, क्योंकि रेगुलर होना बड़ा महत्वपूर्ण व्यवस्था है, अगर रेगुलरिटी नहीं है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी ठीक तरीके से काम नहीं कर सकेगा। आप देखिए, एक आदमी जब कार्य करता है, अपने दैनिक जीवन व्यवस्थाओं में होता है, जॉब में होता है, तो एक निर्धारित समय होता है, सुबह जगने का समय, स्नान करने का समय, नाश्ते का समय, भोजन का समय, एक निश्चित व्यवस्था बनी होती है और उसका जीवन बड़ा व्यवस्थित चलता होता है। लेकिन जिसके जीवन में ये व्यवस्थाएं नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, अभी कभी नाश्ता कर लिया, कभी नहीं किया, कभी ब्रेकफास्ट गायब हो गया, कभी लंच गायब हो गया, कभी डिनर गायब हो गया, अगर ऐसी व्यवस्थाएं जीवन में है, अनियमितता है, तो हमारे लिए पाचन तंत्र को बड़ी मुश्किल होता है भोजन को पचाने, इसलिए हमें नियमितता बनाना आवश्यक है। जैसे अगर आप 8 बजे नाश्ता करने का आपका अभ्यास है, तो आप देखेंगे कि 8 बजते ही आपको भूख की अनुभूति होगी, 11 बजे या 1 बजे आपको भोजन लंच लेने का वक्त है तो 1 बजे भूख की अनुभूति होगी। जो भी वक्त है उस समय अगर आप भोजन लेते हैं तो वह भोजन का पाचन बड़ा संतुलित रूप से होता है, व्यवस्थित रूप से। इस पर एक रिसर्च किया गया था, वो मैं आपको रिसर्च की बात बताना चाहता हूं ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि रेगुलरिटी का लाभ कैसे मिलता है। रूस का एक साइकोलॉजिस्ट था, वो साइकोलॉजिस्ट बड़ा नामी था, नाम बहुत पॉपुलर भी है, जिसका नाम था पावलोफ। पावलोफ नाम का एक साइकोलॉजिस्ट रूस में हुआ, जिसने कई छोटे छोटे प्रयोग किए और इन प्रयोगों के आधार पर उसने बताने का प्रयास किया कि जीवन की व्यवस्थाओं में इनका महत्व क्या है। उसने इसी का निर्धारण किया कि समय का वैल्यू किस कैसा है हमारे शरीर पर और हमारे पाचन तंत्र पर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है, इस पर उसने एक छोटा सा रिसर्च किया। उस रिसर्च में उसने 3 चीजों को लिया, एक कुत्ते को लिया, एक घंटी को लिया और एक समय को लिया। उसने किया क्या कि एक कुत्ते को लिया और कुत्ते को लेकर सामने आया, और जब सामने लाया तो पहले कुत्ते के आगे घंटी बजाई, लगभग 20 सेकंड की घंटी बजाई, और 20 सेकंड के बाद कुत्ते के आगे भोजन दिया, कुत्ता खाया और चला गया। हर दिन वो कुत्ते को लाता, घंटी बजाता, भोजन देता, कुत्ता खाता और चला जाता। यह प्रैक्टिस उसने लगभग लगातार 3 महीने दिन तक की, 3 महीने तक कंटिन्यूअस वह कुत्ते को रोज लाता, रोज घंटी 20 सेकंड बजाता और उसके बाद कुत्ते को भोजन देता और कुत्ता खाकर चला जाता। 3 महीने के बाद उसने घंटी बजाई,
लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं दिया। तो उसने देखा कि 3 महीने के बाद जब घंटी बजी तो कुत्ते के मुंह से स्लेवरी ग्लैंड से स्लाइवा रिलीज होने लग गई। उसने उसे एक उसे उसको जमा किया और उसको लैब में ले जाकर टेस्ट के लिए भेजा। टेस्ट में भेजा तो स्लेवरी ग्लैंड से उपलब्ध स्लाइवा तो था ही, आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि उस स्लाइवा के साथ स्टमक जूसेज भी थे। स्टमक जूसेज होने का मतलब यह है कि स्टमक से जूसेज रिलीज हुए, तभी तो जूसेज उसके मुंह तक आ गए, लार के माध्यम से उसके मुंह तक आ गए। और उसका जब टेस्ट करके उसने देखा तो उसने पाया कि घंटी, क्योंकि भोजन दिया नहीं था, सिर्फ घंटी बजी थी। इसका मतलब उसने यह निष्कर्ष निकाला कि यह संबंध जो हमारा है, किसी भी ब्रेन का संबंध, हमारे भौतिक वस्तुओं से हो सकता है। उसका समय से कोई निर्धारण नहीं, उसका भोजन से कोई मतलब नहीं था। ब्रेन का संबंध किन चीजों से हो गया था? घंटी बजाने से हो गया था। जैसे ही घंटी बजती है, ब्रेन को मैसेज हो जाता है कि अब यह भोजन का वक्त है, इसलिए वह स्टमक जूसे छोड़ देता है, क्योंकि सारे हार्मोनल सिस्टम पर नियंत्रण ब्रेन का है। तो घंटी से संबंध हो गया, यानी जैसे ही कुत्ते को घंटी की आवाज सुनाई पड़ी, ब्रेन को मैसेज गया, उधर से हार्मोन एक्सोक्राइन जो हार्मोन है हमारे, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन, पेप्सिन, वो छोड़ दिया गया स्टमक, लेकिन भोजन तो दिया ही नहीं गया। इसका मतलब उसने स्पष्ट किया कि भोजन से संबंध नहीं है, संबंध ब्रेन से है। अगर ब्रेन को कोई मैसेज फीड हो गई तो ब्रेन उसी के अनुरूप कार्य करता है। इसलिए समय का निर्धारण कर जो भोजन करते हैं, जिनका ठीक 8 बजे ब्रेकफास्ट करने का वक्त है, 11 बजे कुछ और लेने का वक्त है, 1 बजे लंच लेने का वक्त है, 4 बजे फिर टी वेयर ब्रेक होता है, रात्रि में 7 बजे 8 बजे जो भी आपका डिनर का वक्त है, तो जो वक्त है, आप देखेंगे कि जैसे ही वक्त होगा आपको भूख की अनुभूति होगी। आप हो सकता है कई बार बहुत व्यस्त हो, लेकिन आपको अपने आप से भूख की अनुभूति अपने समय के आधार पर होगा, लेकिन आप भोजन नहीं करेंगे। इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि भूख की अनुभूति होने का मतलब है कि उस समय समय से ब्रेन का संबंध हो गया। और जब ब्रेन का संबंध समय से होता है, जैसे ही समय उतना बजता है, हमारे भीतर ब्रेन के माध्यम से स्टमक जूसेज रिलीज कर दिए जाते हैं। अगर व्यक्ति समय से भोजन करता है तो स्टमक जूसेज रिलीज होने से उसका पाचन तंत्र ठीक तरीके से काम करता है। और अगर समय का निर्धारण ना हो तो ब्रेन के भीतर हम भोजन कर लेते हैं, फिर ब्रेन को एनालाइज करना पड़ता है, उसके आधार पर उसको जूसेज दे पाता है और वो भी प्रॉपर न दे पाता है, जिसके कारण हमारे भीतर भोजन का पाचन तंत्र प्रभावित होता है और हमारे भीतर पेट से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखें, इस कुत्ते का उदाहरण देने के पीछे सबसे बड़ा प्रयोजन यह है कि आप अपने समय में हर चीज को एक निर्धारित व्यवस्था में करें, समय के साथ करें, तो आपका पाचन तंत्र भी बेहतर काम कर सकेगा और आपको भोजन को पचाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। एक खास बात जो हमने देखा और जो प्रश्न भी आया था, खासतौर पर इंदु जी ने प्रश्न किया था, हमें लगता है उन्होंने कहा था कि फल के साथ, जी आपका प्रश्न का जवाब मैंने इसीलिए नहीं दिया था, वो इस समय के लिए बचा रखा था और ये मुझे बोलना भी था, आप अगर नहीं भी करते तो भी मैं बोलता, क्योंकि जो बातें आप कहते हैं मुझे लगभग पता होता है, पिछले लगभग 20 सालों से मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप पूछेंगे क्या, इसलिए मुझे लगभग पता होता है। इसलिए मैं अपनी पूरी बात जब खत्म सिस्टम करेंगे तो लगभग प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा, बट आपने किया है तो अभी मेरा प्रश्न वहीं पे मैं आ रहा हूं। देखिए, भोजन 3 किस्म का होता है, इसको समझना बड़ा जरूरी है, जिसको हम कहते हैं सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। ये 3 तरह की आहार की चर्चा योग के अंतर्गत आती है। योग कहता है कि सात्विक आहार जो होता है उसे पचाने में शरीर को वक्त जो लगता है वो 3 से 3.5 घंटे लगता है। जो राजसिक आहार होता है उसको पचाने में शरीर को वक्त लगता है 5 घंटे का, और जो तामसिक आहार है उसको पचाने में शरीर को वक्त लगता है 7 घंटे का।
अब सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार है क्या, इसकी परिभाषा क्या दी जा सकती है, ये समझने के लिए। इंदु जी म्यूट कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। तो ये सात्विक आहार कहते किसको है? सात्विक आहार उसे कहा जाता है जिसको प्रकृति ने उत्पन्न किया है और उसी रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं। जो भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु है और उसी रूप में हमारे द्वारा ग्रहण की जा रही है उसे सात्विक आहार कहते हैं। धनराज जी प्लीज, हाँ, उसे सात्विक आहार कहते हैं। नेचर द्वारा प्रदत्त वस्तु का उपयोग सीधे सीधे करना, इसके अंतर्गत सारे फल और सारे वेजिटेबल्स भी सात्विक आहार में आती, ग्रेन्स हमारे सात्विक आहार में आते, इसलिए ये सात्विक आहार के क्रम में आता है क्योंकि नेचर से प्रदत्त वस्तु। तामसिक राजसिक आहार किसे कहते? राजसिक आहार सात्विक आहार में हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसके चीजों में हमने परिवर्तन घटित कर दिया। जैसे अगर आप इसे कहते हैं कि आप हम मिठाई खा रहे हैं, हम मलाई खा रहे हैं, तो दूध के रूप में हमें मिला था, दूध मिला था, लेकिन दूध में हमने अपनी बुद्धि लगाई और हमने क्या कर दिया, उस दूध के साथ उसको रबड़ी बना दिया, मलाई बना दिया, है ना, उसके साथ उसको हमने मिठाइयां बना दी। ये सब हमारे राजसिक आहार के अंतर्गत आते हैं। हमें सरसों मिला था, हमें उस तरह, लेकिन हमने बुद्धि लगाई, उसमें तेल निचोड़ कर बाहर निकाल लिया और उस तेल के साथ हमने चीजों को तल दिया, तो वो आपका, वो सारी चीजें आएगी राजसिक आहार के अंतर्गत आती है। और इस तरह की चीजों का जो प्रयोग हम करते हैं उसको पचाने में शरीर को 5 घंटे का वक्त लगता है। और तामसिक आहार उसे कहते हैं जो शरीर के अंदर तमस, तमस का मतलब गर्मी पैदा करता है, उष्मा पैदा करने वाला, उसे हम तामसिक आहार करते हैं। इसके अंदर जितने भी नॉन वेज है वो तामसिक आहार की श्रेणी में। कहा भी जाता है कि जैसा भोजन हम करेंगे वैसी हमारी सोच होती है, इसलिए योग हमेशा सात्विक आहार की प्रायोरिटी देता है। और एक खास बात जो होती है सात्विक आहार की, कई बार लोगों के मन में एक संदेह पैदा हो जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं इनको नॉन वेज खिलाइए, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना ऐसा होता है, वो मानते इस बात को है कि जो सात्विक आहार है उसमें ताकत नहीं है, जो ताकत है वो नॉनवेज में है, ऐसा उनकी सोच है। बट ऐसा सोच गलत है, ऐसा है नहीं। जितना ज्यादा ताकत सात्विक आहार में है उतना ताकत उसके अंतर्गत नहीं है। इसको थोड़ा सा समझ ले, हम स्पष्ट समझ ले, ताकि मन में अगर ऐसी कोई दुविधा है तो स्पष्ट हो सके। सात्विक आहार जैसा मैंने कहा कि पचाने के लिए शरीर को 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगता है, राजसिक आहार को पचाने के लिए शरीर को 5 घंटे का वक्त लगता है और तामसिक आहार को पचाने के लिए शरीर को 7 घंटे का वक्त लगता है। जो तामसिक आहार करते हैं उनको पचाने में शरीर को 7 घंटे का वक्त देना पड़ता है। अब आप समझिए, अगर एक सात्विक आहार हम लेते हैं, एक सात्विक आहार का भोजन लेते हैं और उसको एक भोजन के अंतर्गत हम मान लेते हैं कि 500 कैलोरी 600 कैलोरी अगर हमारे पास होता है, तो हम एक सात्विक आहार से 500 कैलोरी अगर उपलब्ध कर रहे हैं और एक तामसिक आहार से हम 700 कैलोरी या 800 कैलोरी उनके हिसाब से हम मान लें अगर उत्पन्न करते हैं एक आहार से, लेकिन सात्विक आहार को पचाने में जो वक्त लगेगा वो मात्र लगेगा 3.5 घंटे, यानी 3.5 घंटे में आप लगभग 500 कैलोरी ग्रहण करेंगे, लेकिन तामसिक आहार को पचाने में 7 घंटे का वक्त लगता है और अगर उसमें 700 कैलोरी भी मिलता है, 800 कैलोरी भी मिलता है, तो 7 घंटे में 800 कैलोरी, 3.5 घंटे में हमें मिलता कितना है, 500 कैलोरी। लेकिन योग कहता है कि एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच की गैप 3 से 3.5 घंटे की होनी चाहिए, यानी 3.5 घंटे के बाद हम दूसरा भोजन करेंगे तो 500 कैलोरी उससे भी मिलेगी, यानी हम 7.5 घंटे में हमें 1000 कैलोरी मिलता है, उधर 7 घंटे में हमें मिलता है 800 कैलोरी, यानी 200 कैलोरी का तो सीधा सीधा नुकसान दिख रहा है, एक
दूसरी बात है कि ये हमारा सात्विक आहार है, इसलिए पचाने के लिए शरीर को जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा आसान है, बड़ा डाइजेस्टिव है ये। लेकिन जो तामसिक आहार है बड़ा गरिष्ठ होता है, इसलिए उसको पचाने के लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर सात्विक आहार को पचाने में हमें 100 कैलोरी का टोटल खर्च होता है, 50-50 कैलोरी, 100 कैलोरी, और उधर पचाने में अगर 200 कैलोरी खर्च होता है तो नेट प्रॉफिट अगर देखें तो इधर 900 कैलोरी मिलता है और उधर हमें 600 कैलोरी मिलता है, यानी डेढ़ गुने का फर्क है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको ऐसे समझिए कि इस भौतिक जगत के जो महत्वपूर्ण प्राणी हैं, शक्ति की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से, वो महत्वपूर्ण प्राणी वही है जो सात्विक आहार का प्राणी है। जैसे हाथी कहते हैं, हाथी कहते हैं बहुत बलशाली होता है ना, घोड़ा कहते हैं, घोड़ा बहुत बलशाली होता है, हॉर्स पावर हम देखते हैं उसको, है ना। इसका मतलब गैड़ा देखिए, ये सारे सात्विक प्राणी हैं, ये मांसाहारी नहीं है। मांसाहारी जो प्राणी है उसके भीतर आप नेचुरली, अगर आप आजकल गूगल हमारे पास है, गूगल में अगर आप सर्च करिए तो जो दौड़ने में प्रथम आने वाले लोग हैं, जो इंटेलिजेंसी में टॉप होने वाले लोग हैं, अगर आप पूरे गूगल पर सर्च कीजिएगा तो 100 में से लगभग 80 से 90 लोग मिलेंगे जो सात्विक आहार के होंगे, जो टॉप पे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि तामसिक वाले टॉप पे नहीं होंगे, लेकिन वो मात्र 10-20% के बीच होंगे। इसका मतलब है कि ज्यादा सात्विक आहार के प्राणियों को ही ज्यादा शक्ति भी उपलब्ध है। ये जो धारणाएं हमारी बनी हैं, उन धारणाओं को छोड़ना है, और डॉक्टर अगर कहते हैं कि नॉनवेज लेना चाहिए तो उसे अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड इसलिए करनी चाहिए कि जैसा भोजन करेंगे उसी के आधार पर आपकी सोच भी होगी। सात्विक अगर भोजन हम लेते हैं तो हमारी सोच भी सकारात्मकता में सात्विकता की होगी, और अगर वैसी भोजन लेते हैं तो हमारे भीतर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कहते हैं, जैसा खायन वैसा होय मन, क्योंकि तमस शरीर के अंदर गर्मी उष्मा उत्पन्न करता है, हमारे भीतर विकृतियां पैदा होगी और हमारी मुश्किलें पैदा होगी। तो इसलिए शक्ति के हिसाब से भी अगर देखें तो सात्विक आहार ज्यादा शक्तिदायक है तुलनात्मक तामसिक आहार की, पहली बात। दूसरी चीज है, मनुष्य की जो प्रकृति है वो सात्विकता की प्रकृति, हमारी प्रकृति सात्विकता की है, यानी जो सात्विक प्राणी है उसके खास कुछ गुणधर्म होते हैं। मनुष्य का जो गुणधर्म है वो सात्विक का है। सात्विक का पहला गुणधर्म है कि जो सात्विक प्राणी होगा इस भौतिक जगत में कोई भी, वो सात्विक प्राणी होठ से पानी को पिएगा। जो पानी पीने की प्रक्रिया होगी वो होठ से पिएंगे। हम मनुष्य होठ से पीते हैं और जो तामसिक प्राणी है वो जीभ से पिएगा। जो भी जीभ से पानी पीने वाले प्राणी है उसको आप आंख बंद कर कह सकते हैं ये तामसिक प्राणी है। कुत्ते को अगर आप देखिए पानी पीते हुए तो जीभ से पिएगा। गाय को देखिए, भैंस को देखिए, बकरी को देखिए, भेड़ को देखिए, ये सारे सात्विक आहार के प्राणी, सब होठ से पीते हैं। हम मनुष्य किस चीज से पीते, जीभ से पीते हैं या होठ से पीते हैं? होठ से पीने वाले प्राणी हैं। इसलिए प्रकृति ने हमें सात्विक गुणधर्म देकर भेजा है। हम इस भौतिक जगत में विकृत हो गए हैं, विक्षिप्त हो गए हैं, इसलिए हम कहीं और भटक रहे हैं, बट हमारा गुणधर्म है वह है सात्विकता का, पहला। दूसरा गुणधर्म सात्विकता का है कि जो भी सात्विक प्राणी होंगी उसकी आंतें बड़ी लंबी होंगी, क्योंकि उन चीजों को पचाना कर उसको एब्जॉर्ब करने में ज्यादा चाहिए वक्त, इसलिए आंतें लंबी होती है। तो सात्विक, हमारी आंतें लगभग 9 मीटर की है, पूरा माउथ टू एनस, इसको हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, ये कंप्लीट 9 मीटर की होती है। वैसे ही भेड़ की देखिए, गाय की देखिए, बकरी की देखिए, सबकी आंतें लंबी होंगी। लेकिन अगर किसी शेर की आंतें देखिए तो उसकी आंतें मात्र 2 मीटर की होती है, छोटी होती है, क्योंकि वो जो तामसिक आहार लेगा उसे शरीर से तुरंत से जल्द निकालना पड़ेगा, अगर नहीं निकलेगा तो शरीर के अंदर विकृतियां पैदा करेगा। तो इसलिए हमारा गुणधर्म भी है वो है सात्विक प्राणी। तीसरा गुणधर्म है सात्विक प्राणी का कि वो जो है जिनकी दांतें होती हैं, मनुष्य को चारों प्रकार की दांतें मिली है, बट कुत्ते को स्पेशल मिली है उसको नोचने के लिए, शेर को मिली है स्पेशल केनाइन उसे कहते हैं, वो अलग से दांत मिली है हमारी, और भेड़ बकरी को वैसी दांतें नहीं मिली है जो चीजों को फाड़ सके, नोच सके। तो
तो इसलिए हमारा गुणधर्म सात्विकता का है। एक आखिरी बात कि जो सात्विक प्राणी होगा उसकी आंखें होंगी वो अंधेरे में चमकेंगी नहीं। जो तामसिक प्राणी है अंधेरे में अगर होंगे तो दूर से ही उसकी आंखें आपको आप आंखें चमकेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। हमारे मनुष्य की आंखें नहीं चमकती, लेकिन जो शेर है उसकी आंखें चमकती हुई होंगी। कुत्ते की आंखें देखेगी तो अंधेरे में भी चमकता हुआ होगा। तो इसलिए खास तौर पर प्रकृति ने हमें सात्विक गुणधर्म देकर भेजा है, इसलिए सात्विक आहार को अपनाएं। तो आपको तीनों प्रकार के आहार की बातें हमने की थोड़ी सी, ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि सात्विक आहार में शक्ति भी ज्यादा है, पचाना भी आसान है और शरीर को फायदा भी ज्यादा होगा, और हमारी प्रकृति भी सात्विकता का है इसलिए जीवन में सात्विकता को जोड़े। सवाल उठता है कि जब सात्विक आहार है इसमें भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा दो तरह की चीजें। एक फल है, फ्रूट्स जो हम लेते हैं उसको पचाने में शरीर को 1.5 घंटे का वक्त लगता है। जो सीधा सीधा नेचर से आ रहा है फल उसको पचाने में शरीर को 1.5 घंटा लगता है, और जो अन्न है ग्रेन्स है उसको पचाने में शरीर को 3 से 3.5 घंटा लगता है। किसी भी तरह का ग्रेन्स अगर लेंगे तो उसको पचाने में 3 से 3.5 घंटे का वक्त चाहिए शरीर। अब प्रश्न यही था कि भोजन के साथ फल ले। अब आप स्पष्ट समझिएगा मेरा कहने का आशय क्या है, कि मेरा कहना स्पष्ट है कि भोजन के साथ साथ फल का प्रयोग ना करें, क्योंकि फल को पचाने में मात्र 1.5 घंटा चाहिए और भोजन को पचाने में, अन्न को पचाने में 3.5 घंटा चाहिए। अगर 3.5 घंटे के साथ 1.5 घंटे की चीज आप लोगे तो क्या होगा, क्योंकि जब स्टमक में जाएगा, सिस्टम में जाएगा, 3.5 घंटे तक निकलते निकलते वो सारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है जहां से अब्जॉर्प्शन की प्रोसेसिंग हो जाती है। तो वो वक्त अगर 1.5 घंटे के चीज को 3.5 घंटे रोक कर रखेंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा स्पष्ट समझिएगा। मैंने पिछले क्रमों में ही बताई थी कि किसी चीज को ज्यादा देर रोक देना यानी उसके भीतर फर्मेंटेशन पैदा होगा, गैस पैदा होगा, रुकेगा, ज्यादा देर रुका हुआ है वो पिसा हुआ है भोजन और रुका हुआ है तो उसमें सड़ांध पैदा होगी, गैस पैदा होगा। तो अगर भोजन के साथ साथ फल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब गैस के उत्तरदायी आप बनने को तैयार हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि भोजन को मेरे हिसाब से अगर आप मान, ये हमारा अपना मंतव्य है, हमारी सोच है, आप इसको एनालाइज करिए, समझिए, क्योंकि अगर भोजन के साथ साथ फल का प्रयोग करते, और खासतौर पे मैंने बहुत देखा है जैन व्यवस्था के अंतर्गत, तो हमने बहुत देखा है बारीकी से कि भोजन भी करते हैं उसके साथ खाना खाने के बाद जरूर फल खाते हैं। हमारे हिसाब से भोजन के साथ फल का प्रयोग ना करें, क्योंकि भोजन करेंगे पेस्ट बनेगा और उसके साथ फल लेंगे जो 1.5 घंटे में डाइजेस्ट होना चाहिए, तो अब ऐसा तो फल अंदर जाकर पेट को कहेगा नहीं कि भाई तू लोग साइड हो जा, मेरी गाड़ी थोड़ी ज्यादा फास्ट है, मैं थोड़ा आगे निकल लेता हूँ, ऐसा तो कहेगा नहीं ना, ऐसा होगा क्या? आप समझ सकते हैं कि आगे अगर हम भोजन कर रखे फिर बाद में हमने फल खा लिया तो अब तो जाकर के अंदर पेट में, वैसे इसकी ये तो सुपर फास्ट ट्रेन है, बात ठीक है, लेकिन सुपर फास्ट को क्या कर दिया आपने, आपने क्या कर दिया, वैसा तो पीछे से आगे लोकल ट्रेन लगा रखा है, लोकल ट्रेन 3.5 घंटे वाली है, लोकल ट्रेन के साथ आप पीछे से एक्सप्रेस ट्रेन दिए तो वहां पर तो कोई डबल लाइन नहीं है, ये डबल लाइन होता तो एक पर लोकल को लगाकर दूसरे से पास कर देते, लेकिन यहाँ पास का कोई सिस्टम नहीं, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, अब उसे उसके साथ साथ रुकना पड़ेगा और उस पूरी प्रोसेस के साथ उसे भाग लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, ये मेरी मान्यताएं हैं, कि फल को अलग से ले, भोजन को अलग से ले, दोनों को साथ न ले। अगर आप साथ ले रहे हैं तो उसे अलग कर दीजिए। जैसे 8 बजे अगर ब्रेकफास्ट लेते हैं और अगर फिर 1 बजे लंच लेते हैं, इसके बीच में फल को रख लीजिए, 11 बजे फल खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 घंटे में फल डाइजेस्ट हो जाएगा और पूरा अपना काम करेगा। फलों में भी अगर बात की जाती है कई बार, तो फलों में भी मैं कहता हूँ, खासतौर पर मेरा सोचना है, और इसकी सूक्ष्मता में जाइएगा तो फल भी डिफरेंट डिफरेंट कई तरह के फल हम खाते हैं। हम तो उसे भी मना करते हैं कि कई फल ना, एक तरह के फल खाइए, एक बार में एक किस्म के फल ले, चाहे अगर पपीता खाना है तो पपीता खा लीजिए, आम खाना है तो आम खा लीजिए, अमरुद खाना है तो अमरुद खा लीजिए, ये नहीं कि पपीता भी खा लिया, आम भी खा लिया, अमरुद भी खा लिया, उसमें अंगूर भी मिला दिया, उसमें कुछ और मिला दिया और वो चाट बना दिया, है ना चाट। तो उसके हर के गुणधर्म अलग अलग होते हैं, किसी में खट्टी प्रकृति है, किसी में मीठी प्रकृति है, किसी में थोड़ा तीखापन होता है, तो
इन चीजों को अगर अलग अलग ले तो वो ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा डाइजेस्टिव होगा तुलनात्मक उसके कि जब कई चीजों को एक साथ मिला देंगे। तो इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको चीजों को एक समय में एक किस्म का फल, अगर 11 बजे पपीता खाते हैं तो खाइए, फिर आप अगर शाम में 4 बजे 3 बजे 4 बजे अगर आप लेते हैं दूसरे फल तो दूसरे अमरुद ले लीजिए, जो भी लेना है ले लीजिए, बट एक साथ हमारे हिसाब से कई फलों को ना मिलाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये थोड़ा और सूक्ष्मता में, अब इससे और सूक्ष्म जाइएगा तो इतना सूक्ष्म हो जाएंगे कि कर भी पाना मुश्किल है। तो इसलिए उतना हम ध्यान दे दें कि जितना जीवन में हम जोड़ सकें, जीवन को हम कर सकें, ये हमें समझना है खासतौर। क्लियर है? इसलिए ध्यान दीजिए कि मिक्स फलों का प्रयोग ना करके एक किस्म के फलों का प्रयोग करें, मेरा कहना यही है, बाकी आपकी मर्जी है, हम तो आपको रोकने आने हैं। हमें तो ये बताया गया, हमें ये बताया गया है कि सुबह 500-600 ग्राम आप प्लेट में डाल के सारे फल मिला के खा लो नाश्ते में। हाँ नहीं, तो बताया गया, मैं कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ इसकी सूक्ष्मता में जाइएगा वीना जी, जब इसकी सूक्ष्मता में जाइएगा तो एक किस्म का आ जाएगा। अगर उनसे भी पूछिए तो ये खट्टा और मीठे फल को साथ खाना चाहिए क्या, तो जवाब, क्योंकि देखिए जीवन में जितना हम कर पाते हैं, जनरली हमने तो थोड़ी सूक्ष्म की बात कर दी, हमने और थोड़ा सा नहीं, वरना तो हम साथ ही साथ खा रहे हैं, जीवन तो चला ही रहे हैं। लेकिन जीवन को बेहतर करने के लिए और बेस्ट से बेस्ट करने के लिए अगर 500 ग्राम 600 ग्राम 300 ग्राम जितने भी खाने हैं अगर एक ही किस्म के खा लीजिए तो उसमें मना है क्या? ऐसा तो मना नहीं है, ऐसा तो कहा नहीं कि जी नहीं खाली पपीता मत खाना, नहीं उसके साथ तो आम को मिलाना ही पड़ेगा आपको दूसरे फल को, ऐसा तो नहीं कहा गया ना। हम उन चीजों को बड़ी जल्दी से एक्सेप्ट कर, चारों पांचों फल मिलाकर एक प्लेट में रखकर और फिर खाती हूँ कि 500-600 ग्राम खाना है, सारे फल मिला लो और फिर खा लो। नहीं नहीं, हमें आप खाना चाहिए ना, हमारे हिसाब से तो एक को खाइए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर दो को, अगर अगर दो को भी खा लेते, तीन को भी खा लेते तो उतना नुकसान नहीं है कि अन्य के साथ जो खा रहे उसके साथ वो ज्यादा नुकसान दे, तुलनात्मक कंपेरेटिवली आ पाएंगे। मेरा कंपेटिटिवली पीछे लौटना है, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ को एक साथ एक झटके में बदल दीजिए और जीवन को बिल्कुल निरस कर दीजिए, बिल्कुल निरस मत करिए। आप पूरी भी खाइए, मैं तो पूरी खाने के लिए भी कहता हूँ, तल करके मजे से एक दिन खाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि आज पूरी छोले भटूरे खा लिए, कल पूरी सब्जी खा ली, परसों फिर से वो पराठा खा लिया, तरसों क्या करते जी वो समोसे खा लिया। अगर ये रोज एक ही दिन खा रहे हो आप, सप्ताह में तो एक दिन समोसे हो रहा है, एक दिन पूरी हो रहा है, एक दिन छोले भटूरे, लेकिन ये रोज हो रहा है ना। हम अपने कहने के लिए मन को संतुष्ट चाहे जो कर ले, बट हमें चीजों को स्पष्टता जरूर चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ स्पष्ट कर रहा है, चीजें जीवन में जैसे भी जोड़ सकते हैं, जो जीवन अभी ले पा रहा है उसी हिसाब से लीजिए। हो सकता है अभी एक फल आप नहीं लगातार खा सकते, कोई बात नहीं, अभी आप तीन खा लीजिए, लेकिन दिमाग में यह रखिए कि धीरे धीरे करके मुझे एक पे आना है। अगर आप चार फलों को अभी ले रहे हैं तो घटा कर तीन लाइए, तीन के बाद घटा कर दो लाइए, फिर दो करके एक लाइएगा, फिर एक खाने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ इसकी, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए इसके लिए। जी हाँ जी सर, मॉर्निंग में पहले फ्रूट्स ले या पहले ब्रेकफास्ट लेकर के फिर बाद में फ्रूट्स ले? नहीं, अगर दो तरीके हैं, अगर फ्रूट्स लेते तो सिर्फ फ्रूट्स लीजिए, ब्रेकफास्ट ना लीजिए। नहीं बाद में, आधे घंटे बाद या एक घंटा बाद। हाँ निश्चित रूप से, बिल्कुल वही कहना है, बिल्कुल। और अगर ब्रेकफास्ट लेते हैं तो फ्रूट को उसके बाद लीजिए, 1.5-2 घंटे के बाद, जैसे मान लीजिए 8-9 बजे आप ले लेते हो तो 11 बजे फ्रूट फिर ले लो, फिर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, फिर चीजें साथ सिस्टम में आ जाएगी। तो ये मेरा मतलब एक साथ इकट्ठे नहीं, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, मेरा कहना यही। क्लियर है? इसका मतलब समय तो देखिए क्या करें, मैं तो एक बात बोला, समय यही पूरा हो गया। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि फ्रूट को, जो प्रश्न आया था, प्रश्न यही था, फ्रूट के साथ अन्न ना ले, मेरा कहना बस स्पष्ट है, अन्न का अलग लीजिए, फ्रूट का अलग लीजिए, गैप आप अपने हिसाब से निर्धारित कर लीजिए। पहले लेना है तो अन्न को लेट कर दीजिए, अगर बाद में लेना है तो अन्न के बाद उस हिसाब से गैप बना लीजिए, ताकि आप इसके कारण कोई समस्याएं पैदा ना हो और ये शरीर को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सके। ये पर्पस पहला था। और एक प्रश्न और आया था कि सलाद के साथ भोजन करें या ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सलाद जो होता है वेजिटेबल्स की श्रेणी में आता है, उसका अन्न के साथ मैच हो जाता है, इसलिए उसमें नुकसान नहीं। फ्रूट्स के साथ है नुकसान, बट सलाद के साथ नुकसान नहीं, इसीलिए डॉक्टर, लेकिन उसमें ध्यान देना है सलाद पहले खानी है, ध्यान दीजिएगा वहां भी,
वो सुपर फास्ट ट्रेन है सलाद, तो सलाद सुपर फास्ट ट्रेन को आगे लीजिए। जैसे देखते हैं कई बार आप जब रोड पे चलते हैं तो आपके पीछे से एम्बुलेंस आता है ना एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस के लिए क्या करते हैं सब लोग, क्या करते हैं रास्ता छोड़ देते हैं, और कोई होशियार लोग होते हैं वो एम्बुलेंस के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं, तो क्या होता है उनकी गाड़ी उसी गति से निकल जाएगी। आप समझ रहे हो, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि सुपर फास्ट के पीछे अगर आप अपनी वो लोकल वाली ट्रेन भी लगा दोगे जो बाद में खा रहे हैं, तो वो अपने आप से आगे उसको खींच के ले जाएगा। यानी रास्ता अगर क्लियर हो तो दिक्कत नहीं। इसलिए सलाद जब भी भोजन में ले तो सबसे पहले सलाद से पेट को भरिए, उसके बाद भोजन लीजिए, 10 मिनट का 5 मिनट का गैप दीजिए, आराम से सलाद खाइए ताकि वो चीजें आगे प्रोसेस में आ जाए और फिर भोजन लीजिए तो फायदा। बट सलाद और भोजन का अन्न का मैचिंग है, लेकिन फ्रूट और अन्न का मैचिंग नहीं है। स्प्राउट्स और फल साथ ले सकते हैं? नहीं, अन्न हो गया, वो अन्न को साथ ना ले मेरे अच्छा। हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, अन्न को नहीं। स्प्राउट के साथ सलाद आप ले सकते हो, स्प्राउट और सलाद ये उस श्रेणी में आ जाएगा। स्प्राउट हल्का हो जाता है जब आप स्प्राउट लेते हो। अजय सर जी, चंदा चोपड़ा बोल रही हूं। चंदा जी बोलिए बोलिए। मुझे इससे हटके एक सवाल है। एक बहुत एसिडिटी होती है, मतलब दिन में कुछ नहीं लगता, रात को का कान नाक सब तिखे तिखे हो जाते हैं, बहुत एसिड ऊपर आता है, एसिड बहुत ऊपर आता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम है आपको, आपको थोड़ा कुंजल सीखना पड़ेगा और कुंजल करना पड़ेगा। नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए, सुनाइए है ना। क्या है, खाना खाते उसके बाद में रात को जब सोते हैं ना तो पूरा एसिड ऊपर आता है, मतलब नाक कान तीखे तीखे हो जाते हैं और गला सूखता है और जीभ जाना वो कड़क जैसी हो जाती है और सूख जाती है। मेरे रिलेटिव है उनको, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? खाना खाने के कितने देर के बाद? नहीं, दिन में इतना नहीं लेता, रात को फील होता है उनको सोने के। दिन में सोते हैं क्या? दिन में भी सोते हैं? शायद नहीं सोते हैं, जब सोएंगे तब ना। दो इसमें दो चीजें ध्यान देनी है, इसका मतलब स्पष्ट है कि आपके भीतर एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी बन रही है, एसिड ठीक है ना, एसिडिटी बन रही है, तो एसिड ना बने उस प्रोसेस पे कार्य करना चाहिए। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये एसिड ना बनने के लिए क्या करना है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आप सुबह सुबह पेठे का जूस लीजिए, अल्कलाइन चीजों का प्रयोग करिए। मैंने कहा था आपको, शायद ध्यान हो या ना हो, कोई आपको ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं, मैं तो हूं ही इधर, चिंता करने वाली बात नहीं ज्यादा है, इसलिए आप चिंता ना ज्यादा करिए, मैं ध्यान रख लूंगा। तो इसलिए कहने का मतलब, मैंने बताया था कि अल्कलाइन चीजों का प्रयोग आप ज्यादा करिए, अन्न का प्रयोग कम कर दीजिए, पहला काम तो ये करिए। यानी वेजिटेबल्स या सलाद इस तरह की चीजों का प्रयोग आप ज्यादा कर दीजिए अभी, तो अल्कलाइन चीजें ज्यादा जाएगी तो ब्लड का पीएच वैल्यू घट जाएगा, तो एसिडिटी कम हो जाएगी। एसिडिटी कम होगी तो जो लगता है लेटने से, क्योंकि जब नीचे आते हैं ना तो शरीर, जब स्टमक होता है ऊपर की ओर, जब स्टमक वाला पार्ट थोड़ा उठा होता है क्योंकि इतना माल खा रखा है कि ऑटोमेटिकली उधर वाला माल नीचे की ओर आने लगता है, तो इसके कारण होता है। अगर बैठे रहेंगे तो नहीं महसूस होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जब जिन लोगों को होता है उसमें बैठे बैठे भी होता है, डकार भी आएगी तो उसके मुंह के अंदर आ जाएगा एसिड। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अभी इसको आप समझ लीजिए। तो इस एक तो ये ध्यान देना है कि खाना और आपके सोने के बीच लगभग गैप 2 घंटे का कम से कम रखिएगा, भोजन और सोना के बीच 2 घंटे का गैप आप मिनिमम बनाइएगा। ऐसा नहीं कि खाना खाए और तुरंत से लेट गए तो एसिडिटी तुरंत से महसूस हो जाएगी। अगर 2 घंटे का गैप आप बना दोगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो एसिड खत्म हो चुका होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहला तो ये कर लीजिए। दूसरा, खाने में अल्कलाइन चीजों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए, जैसे पेठे का रस हमने कहा था, नारियल की पानी भी अच्छा अल्कलाइन है, वेजिटेबल्स जितने भी खाते हो सारे अल्कलाइन है, बस उसमें मिर्च मसाला तेल घी का प्रयोग कम कर लीजिए। ऐसा नहीं कि तेल घी मिर्च मसाले के साथ करेंगे तो फिर वही समस्याएं रहेंगी, एसिडिटी वैसे ही बन जाएगी, तो इसलिए मिर्च मसाले तेल घी का प्रयोग कम करके सादा लीजिए। ये चीजें आप प्रयोग में कर दें और खाने और सोने के बीच 2 घंटे का गैप बना दीजिए, ठीक है। और हर 2 घंटे के बाद कुछ लीजिए, आपके लिए 2-2 घंटे पर लीजिए, भले 2 बिस्किट ले लीजिए, 4 दाने मूंगफली के ले लिए, बस ये कर लीजिए, मतलब 2 घंटे से ज्यादा का गैप मत दीजिए। और 15-20 दिन आप करिए इसको, 20 दिन के बाद आप यहीं से आप हमें बताइएगा कि क्या हाल है आपका। पेठे का जूस सुबह सुबह, ठीक है,
भोजन और सोने के बीच 2 घंटे का गैप, वेजिटेबल्स का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सादा वेजिटेबल्स का प्रयोग करिएगा, ठीक है, सलाद का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा, ये सारी चीजें करिए और हर 2 घंटे पर भोजन करिए। 15 दिन के बाद आप हमें बताइएगा जो आपकी समस्या है, मैं उम्मीद करता हूँ 15 दिन में नहीं रहेगी अगर इसको आपने फॉलो कर लिया, ठीक है। पेठे के जूस के साथ गाजर टमाटर का जूस एकता निकाल सकते हैं कि नहीं, वो भी अलग अलग। अच्छा आप क्यों चाहते हैं 4-5 चीज को मिलाकर, आप हमेशा टेस्ट के चक्कर में क्यों पड़े? नहीं मैं क्योंकि लेती हूँ ना पेठा गाजर, क्या है पेठे का जूस आप पहले सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए, वैसे गाजर टमाटर भी ठीक है, खट्टा खाली पेट लेती हूँ, उसमें घिया, उसमें पेठा करेला गाजर और टमाटर सब डाल के जूस निकाल के पीती हूँ मैं, तो वो ठीक है कि या सिर्फ पेठे का पीऊँ? नहीं नहीं ठीक, पेठे का जूस का तो हमने पूरा देख रखा है, बट मिक्स करेंगे तो है चीजें अल्कलाइन है, ये प्योर अल्कलाइन है, ये बहुत ज्यादा अल्कलाइन है, इसलिए मैं इसको प्रीफर जरा ज्यादा करता हूँ कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो इसी चीज का ज्यादा प्रयोग करें। अगर उन सारे को मिलाकर आप मान लीजिए 250 ml पीते हैं, एक उदाहरण मैं आपसे लेना चाहता हूँ, आप हमें बताइए सारी चीज मिलाकर 250 ml लेते हैं और सिर्फ 250 ml पेठा लीजिएगा तो दोनों में फर्क तो आ जाएगा ना? हाँ जी नहीं आएगा, तो बस यही फर्क मैं देना चाहता हूँ। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम बोलते हैं ना डायबिटीज में, बोलते हैं करेले का भी पियो तो लगता है पेठे के साथ ही डाल लो उसे भी, नहीं वो तो आप सब कुछ आसान क्यों करना चाहते हैं, आप एक ही बार में सारा मामला क्यों साफ कर देना चाहते हैं? पर करेले का तो बहुत मुश्किल है। एक चीज हमें बताइए बीना जी, एक ही चीज मैं आपसे पूछता हूँ, आपके थाली में 50 आइटम मैं एक ही साथ डाल दूं, कोई नीचे रहे कोई ऊपर रहे कोई इधर रहे कोई उधर रहे, फिर खाने में मजा आएगा क्या? नहीं। या 50 बर्तनों में करके मैं अगर दूं तो खाने में मजा आएगा, चीज तो सारा वही खा रहे हो नहीं, लेकिन एक साथ हौज पौज हो जाएगा ना। नहीं इसका मतलब मैं ऐसे कर सकती हूँ, कभी पेठे का ले लिया, कभी गाजर का ले लिया, कभी टमाटर का ले लिया।